क्लास टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, एक फ्लाई बर्ड कैसे उड़ता है। देखिए बेटा, मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, ज़्यादातर पक्षी उड़ते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैदर, अलग अलग फैदर से उनका बॉडी कवर होता है पंख से। बर्ड्स हैव ए स्मॉल लाइट, उनका छोटा लाइट होता है। फ्लफी फैदर, फ्लफी है ना, फुले फुले फैदर होते हैं विच कवर देयर बॉडी एंड कीप देम वार्म, जो उनकी बॉडी को कवर रखते हैं, उनको वार्म रखते हैं, वो होते हैं डाउन फेदर। और जो लंबे होते हैं और कड़क होते हैं, होते हैं फ्लाइट फेदर। ये फ्लाइट फेदर उड़ने में हेल्प करते हैं। देखिए बेटा, बर्ड्स हैव टू फिंग, बच्चों बर्ड्स के दो फिंग होते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स हैव फ्लाइट फ्लाइट फेदर, फ्लाइट फेदर जो होता है उनकी बॉडी से अटैच होता है स्ट्रांग मसल के द्वारा, और वो मसल जब वो फैलाते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, तो बॉडी की शेप एक बूट जैसी हो जाती है जो हॉलो और लाइट होती है। और जो टेल टेल है उनका हेल्प करता है उनको स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने में। ये कुछ फीचर्स होते हैं जो बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं। बर्ड्स फ्लाई देयर, जैसे ही वो अपने पंख झपझपाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो एक मूवमेंट सा बनता है। जब ऊपर करते हैं तो अप स्ट्रोक, जब नीचे करते हैं तो डाउन स्ट्रोक, जैसे पिक्चर में दिखाई देगा कि ऊपर गए अप स्ट्रोक, नीचे आए डाउन स्ट्रोक, देन ऊपर गए। इस तरीके से पंख फैला के उन्हें उड़ने में, ऊपर नीचे करने में आसानी रहती है। सम बर्ड्स लाइक, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे स्पैरो, हमिंग बर्ड, ये अपने छप छपाते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं वो ग्लाइड, वो क्या होते हैं, एक उड़ान सी भरते हैं अपने उसके द्वारा, वो छप छपाते नहीं हैं। कुछ बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी है, ये उड़ ही नहीं सकते क्योंकि इनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है। नेस्टिंग बर्ड यानी घोंसला बनाने वाले, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड नेस्ट बनाते हैं। सम बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड पे बनाते हैं, कुछ ट्रीज पे, कुछ बुशेस पे। ये नेस्ट जो होते हैं इनके ट्रीज सेफ रहते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। नेस्ट जो होता है वो बना होता है ड्राई ग्रास का, ट्विग का। मड इज ऑल्सो क्वाइट, कीचड़ भी थोड़ी रहती है ऑफिन टू मेक नेस्ट, नेस्ट बनाने के लिए। सॉफ्ट चीज़ें फेदर, मॉस, वूल, ग्लास, इन सब का यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने में। टेलर बर्ड, नाम से ही पता लग रहा है, टेलर यानी कि ये अपनी बीक, अपनी चोंच को यूज़ करता है, निडल जैसी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों को जोड़ सके, अपना नेस्ट बना सके। ठीक है, स्टिच करता है टेलर बर्ड, ये देखिए। और वीवर बर्ड, वीवर बर्ड क्या होता है, वीवर बर्ड वीसर नेस्ट ऑफ ग्रास, ये ग्रास का एक वो बनाता है, बुनता है ये। और द नेस्ट इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट, ये नेस्ट सॉफ्ट होती है, फेदर इसके हेल्प करते हैं। बॉटल हैंगिंग अपसाइड होता है और बर्ड एंटर करता है घर पे, टनल लाइक ओपनिंग होती है इसकी। वुडपैकर, नाम से ही पता लग रहा है, ये पेड़ों की छालों में अपनी चोंच से छेद करता है और इंसेक्ट्स वगैरह बाहर निकाल लेता है। पेंगुइन, पेंगुइन ये पेबल्स इकट्ठे करता है, स्टोन से इकट्ठे करता है ताकि अपना घोंसला बनाए। ये उसमें अपने अंडे छोड़ता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है किसी ठंडी जगह पर, है ना, एंड होल्ड्स द एग ऑन इट्स लेग, अपने लेगों पर रखता है और उसके बाद किसी ठंडी जगह पर उसको छोड़ देता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, केयरिंग फॉर द यंग, यंग के लिए केयरिंग क्या होता है, मदर बर्ड